हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर की टिक्की, चटपटी भंडारे वाली सब्जी। इसके लिए हम लेंगे 6-7 उबले हुए आलू, टमाटर 4, कटी हुई हरी मिर्ची, तेज पत्ते 4 से 5, दालचीनी थोड़ा सा टुकड़ा, 8-10 लौंग, 10 से 15 काली मिर्ची, ये कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने ली है, साथ में दूसरी लाल मिर्ची भी हम लेंगे, थोड़ा सा जीरा, धनिया और पुदीना, साथ में नमक, मिर्ची, हल्दी और हींग हम काम में लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम टमाटर को कद्दूकस करेंगे। टमाटर को हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब हम रखेंगे कढ़ाई में तेल, उसमें 2 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्ची। 1 मिनट तक इसको चलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, साथ में हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, थोड़े सा इसको भुनने के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा सा ये भुनेगा अच्छे से। ये थोड़ा थोड़ा भुन गया है, अब इसमें हम डालेंगे हींग, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच जितनी, लाल मिर्ची 1 चम्मच, और इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से सेकेंगे। साथ में हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया हमने लगभग 2 चम्मच के आसपास लिया है। अब इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने देंगे। मसाला हमारा थोड़ा थोड़ा भुन गया है, देखिए इसमें ऑयल भी छूटने लगा है। अब इसमें हम 2 आलू बिल्कुल बारीक पीस कर अच्छे से, सिर्फ 2 ही आलू अभी हम डालेंगे, ये बिल्कुल बारीक पीसने चाहिए। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसको मिलाएंगे। अब इसमें 1 कप जितना पानी डालेंगे और इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें अच्छे से उबाला आ गया है। अब इसमें बाकी बचे हुए आलू हम ज्यादा नहीं इसको पीसेंगे, थोड़े थोड़े मोटे मोटे ऐसे हम डाल देंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी और डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। मिर्ची आप स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम उबाला आने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना अच्छे से क्रश करके। ये सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है, देखिए ये इतनी गाढ़ी रहेगी। अगर आपको और ज्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, ये और ज्यादा गाढ़ी हो जाए। इसको मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, आप इसको पूड़ी और रोटी के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।